सबसे बड़े हिंदू राव अस्पताल में बॉलीवुड अभिनेता दिलीप ताहिल सहित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छैल बिहारी सहित निगम के अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाई। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप ताहिल ने कहा, लोगों को अभी भी इस महामारी के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बीमारी गई नहीं है, इसलिए लोग अभी इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। साथ ही कहा कि वैक्सीन को लेकर लोग अपना भ्रम दूर करें, मैंने खुद आज ये वैक्सीन लगवाई है और मुझे कुछ भी पता तक नहीं चला। देखिए कोविड कोविड के जो उस जो है वो अभी फैल रही है, इसने अब लॉकडाउन किया था 1 साल के, ताकि जब लोग बाहर आएंगे और फैलेंगे ये, तो हमारे पास अस्पताल होंगे, अभी वैक्सीन भी आ गए, तो मेरा कहना ये है कि सबको वैक्सीनेट करना चाहिए। हम सब यहीं आए हैं और आज हम लगाने वाले हैं वैक्सीन, तो इसमें कोई डरने की या दिक्कत की बात नहीं। सब आप आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कह भी दिया, अभी आगे बढ़ते हैं कोविड से लड़ेंगे वैक्सीन के साथ। जिस प्रकार से देश में अभी फिर कोविड के केस बढ़ रहे हैं, हम सबको टीका भी लगवाना है और कोविड के जितने प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना है, चाहे हमें मास्क लगाना है, चाहे हमें 2 गज की दूरी रखनी है, चाहे हाथ धोने हैं, चाहे सैनिटाइज करना है और लोगों को अवेयर करना है। उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ पर खूब टीका लगवाने आए हैं। देखिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हमारे फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता श्रीमान दिलीप ताहिल जी जो खुद वैक्सीनेट करने यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम जिस तरीके से सेवा भाव से समर्पित भाव से जनता के बीच में कोरोना के टाइप के काम कर रही थी और आज भी वर्तमान में काम कर रही है, और वैक्सीनेशन का काम इंदिरा हॉस्पिटल में चल रहा है।